यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता का मूड समझने के लिए, जनता का मूड जानने के लिए ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कल वो पहुंचे प्रतापगढ़ में। यहां योगी ने कंधई मधुपुर गांव में लोगों की चौपाल लगाई, उनकी समस्याएं सुनी, पूछा लोगों से कि क्या सरकारी स्कीमों का फायदा उन्हें मिला। ज्यादातर लोगों ने योगी के सामने ही कहा कि नहीं मिला। योगी ने सबके सामने अधिकारियों को बुलाया, उनसे जवाब मांगा। चौपाल के बाद योगी दलित दयाराम सरोज के घर पहुंचे। जमीन पर बैठकर परिवार के संग उन्होंने खाना खाया। यूपी में 21% दलित आबादी है और ऐसे में योगी जी का ये कदम काफी अहमियत रखता है। योगी रात में गांव के ही सरकारी हाई स्कूल में ही रुके। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। चौपाल के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों से पूछा। और आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने जनता के साथ जब चौपाल की तो उस वक्त अधिकारियों को डांटा जब लोगों ने यह कहा कि उन्हें सरकारी स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड कितने लोगों के पास है? जिनके पास है वो खड़ा करें पहले। बाकी लोगों के पास राशन कार्ड क्यों नहीं है? क्यों जिलाधिकारी बताएं, राशन कार्ड का सत्यापन हुआ था यहाँ पे? बात सुनो, पहले बात सुनो, नहीं हो गया वहीं पे। कल ही कैंप लगा करके सुनो, पहले कल ही कैंप लगा करके गांव में पात्रता के अनुसार राशन कार्ड लोगों को वितरित हो जाना चाहिए। आज सुनते हैं और इस मामले में जवाबदेही तय होगी कि आखिर सत्यापन की कार्रवाई इससे पहले क्यों नहीं हुई। जो भी उसके लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कल अधिकारियों की क्लास लगाई और मंच पर डीएम से लेकर सीडीओ तक को योगी आदित्यनाथ ने बुला लिया। कल पूरे फॉर्म में दिखाई दिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रतापगढ़ में योगी ने जनता का मूड तो भांपा ही, जगह जगह औचक निरीक्षण भी किया। मोदी अचानक मेडिकल कॉलेज पहुंच गए और फिर मंडी भी आ गए। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अचानक से मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंच गए, फिर मंडी का जायजा लिया। वहां पर उन्होंने मौजूद आरतियों से बात की, लोगों से बात की। और प्रतापगढ़ में दलित के घर भोज के बाद और औचक निरीक्षण के बाद एबीपी न्यूज के लखनऊ संपादक पंकज झा से भी खास बातचीत की योगी आदित्यनाथ ने और सीधे तौर पर राहुल गांधी पर हमला बोला। खुद ही कहते रहे योगी जी की 2019 का जो चुनाव है एक तरीके से आपकी भी परीक्षा है, तो इस परीक्षा के लिए आज तैयारी दिखी ग्राउंड पर जब आप चौपाल लगा के लोगों से बातचीत कर रहे थे? मुझे अवसर प्राप्त हुआ है कि आज मैं इस गांव में आया हूं। आधी आबादी अनुसूचित जाति की है और आपने देखा होगा लोगों में उत्साह भी है। आपने जब कहा कि टॉयलेट मिला तो लोगों ने कहा कि टॉयलेट नहीं मिला। हाँ, 50 लोगों को पिछले उसमें दिया गया है, 500 लोगों का इसमें चयन हुआ है। फेज वाइज हम लोगों ने दिया पूरे प्रदेश के अंदर। आज हम ये जानना चाहते हैं कि साल भर बाद जब आप उतर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि कामकाज से खुश हैं जनता जनार्दन जो कह रही है? देखिए, शासन की योजनाएं लोगों तक पहुंचाना, जिस प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी आवास नहीं बनते थे, इस ग्राम पंचायत में 109 से अधिक आवास बनाए गए, 136 इस बार दिए जा रहे हैं। जो आप दलित के घर भोजन कर रहे हैं, दलित बहुत फोकस में है, राहुल गांधी उधर संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरे लोग भी, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो दलित के घर भोजन का आइडिया यहाँ भी, फिर आगे 26 तारीख को भी? देखिए, दलित नहीं बल्कि वह हमारे लिए जनता में एक जनार्दन का स्वरूप है। इस देश के संविधान को खतरा है तो उस कांग्रेस से है जिसने इस देश के अंदर देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया था, उस राहुल गांधी से है जो राहुल गांधी जी इस देश के अंदर किस किस प्रकार की बातें करते हैं। अभी न्यायपालिका तक को इन्होंने नहीं छोड़ा है। और ये जो इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से इन लोगों के द्वारा पूरे देश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास किया गया।
न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। कांग्रेस की यह विकृत सोच वास्तव में संविधान के लिए खतरनाक। महाराज जी, हम आखिरी सवाल ये है कि सब चलिए चुनाव क्या कुछ नहीं कराते 2019, जी हाँ, मिशन 2019 से पहले लोगों के बीच सक्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।